थे। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि SBI का इंटरनेट बैंकिंग यूज कैसे किया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग का ये मतलब है आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। आपको जो भी सर्विस मिलती है बैंक अकाउंट में तो वही आप जो है इस ऑनलाइन के जरिए आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो दोस्तों इस बेनिफिट में आप जो है ATM का पिन जनरेट कर सकते हैं, FD RD ओपन कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, पासबुक निकाल सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, यानी कि आप अपना चेक भी यहां से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। के बाद यहां पे आप ATM कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, बाद ATM पिन को आप जो है जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे इंटरनेट बैंकिंग SBI का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसमें आपको टाइप करना है onlinesbi.com। ये टाइप करने के बाद आप सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आप लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो आप यहाँ पे यूजर नेम दे देंगे, उसके बाद पासवर्ड दे देंगे। ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं आपको इस बॉक्स में इंटर कर देना है। उसके बाद आप जो है लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जो है इंटरनेट बैंकिंग ओपन हो जाएगा SBI में। तो अगर आप यहाँ पे बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो अवेलेबल बैलेंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको बैलेंस चेक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट 10 ट्रांजैक्शन आपका निकल जाए, यानी कि स्टेटमेंट निकल जाए किन व्यक्ति को आप किस टाइम कितना रुपया सेंड किए हैं, तो आप यहां पे क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू फोर 10 ट्रांजैक्शन। तो यहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे लेटेस्ट 10 ट्रांजैक्शन आपको यहां पे जो है दिखा दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना तो आप यहां पे क्लिक करेंगे अकाउंट स्टेटमेंट पे। तो जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे कौन सा आपका अकाउंट नंबर है तो आप यहां पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहां पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप लेटेस्ट 6 मंथ का निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप इसको देखना चाहते हैं कि डाउनलोड करना चाहते हैं या PDF में बनाना चाहते हैं, तो मैं जो है इसको देखना भी अभी नहीं चाहता हूँ और PDF में इसको बनाना चाहता हूं। तो यहां पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहां पे जो है गो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहां पे जो है PDF में इसका डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं मेरा जो है PDF में स्टेटमेंट यानी कि पासबुक जो है डाउनलोड हो चुका है। तो आप यहां पे पूरी अच्छी तरीके से आप यहां देख सकते हैं लेटेस्ट 6 मंथ का ये जो मेरा पासबुक है स्टेटमेंट है। तो बहुत ही ईजी और आसान तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं SBI के इंटरनेट बैंकिंग से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है, जैसे कि लॉगिन पासवर्ड को चेंज करना, उसके बाद प्रोफाइल पासवर्ड को चेंज करना है, उसके बाद अगर आपको कोई स्टेटमेंट पेंडिंग है तो आप यहां पे क्लिक करके उसका आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका स्टेटमेंट पेंडिंग है। तो मेरा कोई भी स्टेटमेंट अभी पेंडिंग नहीं है, इसीलिए यहां पे शो नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफ़र के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली यह बात है, अगर आप बेनिफिशरी ऐड नहीं करते हैं तो आप जो है क्विक ट्रांसफ़र करके सिर्फ 10,000 रुपये ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप 10,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको ऐड बेनिफिशरी मैनेज करना होगा, यानी कि जिस व्यक्ति को आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका नाम, उसके बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड वो आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ऐड एंड मैनेज बेनिफिशरी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड मांगा जाएगा, वो आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए SBI बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर ऑफ SBI, कोई भी व्यक्ति को अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका अकाउंट SBI का है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर अन्य बैंक है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मेरा अन्य बैंक है तो यहाँ पे हम चलिए क्लिक कर देते हैं। आप यहाँ पे नाम देंगे, अकाउंट नंबर देंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर देंगे, उसके बाद एड्रेस आप फिल कर सकते हैं, उसके बाद आप लिमिट भी कर सकते हैं आप कितना ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसके बाद IFSC कोड यहाँ पे इंटर कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा, उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से हम पेमेंट एंड ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अगर क्विक ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इनिशियली जो है किसी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं बिना बेनिफिशरी एड किए। बेनिफिशरी का आप नाम टाइप करेंगे, उसके बाद बेनिफिशरी अकाउंट नंबर, उसके बाद
फिर से कन्फर्मेशन के लिए दोबारा आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। अगर SBI का है तो यहाँ पर क्लिक हुआ है तो यहाँ पर क्लिक रहने दीजिएगा। अगर अदर बैंक का है तो यहाँ पर अदर बैंक पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पर इंटर कर देना है। IMPS के द्वारा, एक है NEFT के द्वारा। अगर आप NEFT के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसमें कुछ आपको समय लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि तुरंत मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो जाए तो आपको IMPS का सर्विस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं प्रॉपर इसी का इस्तेमाल करता हूं। उसके बाद आप कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो यहां पे आप टाइप करेंगे। उसके बाद यहां पे कोई भी आप एक पर्पस दे देंगे, या डोनेट या रेंट, तो यहां पे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको यहां पे टर्म एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके कन्फर्मेशन के लिए एक पेज आएगा, उसको कन्फर्म कर देना। और उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसको कहते हैं हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, तो यहाँ पर उसको भी इंटर करके उसके बाद आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप यहाँ से बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद है फिक्स डिपॉजिट। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक फिक्स डिपॉजिट बना सकते हैं, यानी कि FD RD बना सकते हैं। आप उसे क्लोज भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। ई सर्विस पर आने के बाद आपको काफ़ी सारा यहां पे ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि ATM कार्ड सर्विस। उसके बाद यहाँ पर आप जो है पैन कार्ड को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ। उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप ATM अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप ATM कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आपको अगर चेकबुक का रिक्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी को चेक दे दिए हैं, चाहते हैं कि उस चेक से कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं निकाल पाए, तो आप उस चेक को रोक भी सकते हैं ऑनलाइन, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारा आपको नीचे में ऑप्शन दिया है, तो आप यहां पे अच्छी तरीके से एक बार आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलिए माय अकाउंट एंड प्रोफाइल पे हम आपको चलते हैं। उसके बाद यहां पे प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे तो यहां पे भी काफ़ी सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहां पे आप अपना प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है लिमिट यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद पैन रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। ईमेल अपडेट आप कर सकते हैं, यानी कि लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पर इनेबल डिसेबल अकाउंट फॉर UPI आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट सिक्योर OTP का भी यहाँ पे आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैनेज AC डिस्प्ले भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हाई सिक्योरिटी ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ पे पर्सनल एड डिटेल पे आपको क्लिक करके आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यही था काफ़ी सारा इंटरनेट बैंकिंग को यूज कैसे किया जाता है, तो मैंने बहुत सारा ऑप्शन आपको बताया और उसका बेनिफिट भी बताए। अब जो है एक बार चेक कर लीजिए, वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन यहाँ पे उस पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।